फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपके स्टेट में जो नरेगा का अकाउंट होता है गाइस, उस अकाउंट में कितना रुपया अभी है गाइस। और उसमें गाइस, जब नरेगा के अकाउंट में गाइस पैसा होता है, तभी जो है वो मजदूरी का भुगतान जो है वो किया जाता है गाइस नरेगा की तरफ से। तो आप ये कैसे देख सकते हैं कि आपके स्टेट में जो नरेगा का अकाउंट है उसमें कितने रुपये अभी है गाइस, और इस तरह से ये डिटेल आप कैसे देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। किसी भी स्टेट के नरेगा के अकाउंट का पैसा देखने के लिए आपको सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हर ब्राउज़र में आप सर्च करेंगे नरेगा। नरेगा टाइप करने के बाद जब आप सर्च करेंगे गाइस, तो आपके सामने इस तरह की एक पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, narega.nic.in। तो सिंपली आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर कर लेना है क्लिक। जब आप इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे क्विक एक्सेस वाला। तो सिंपली आपको इस क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। जब आप क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्टेट रिपोर्ट्स वाला। तो सिंपली आपको इस स्टेट रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जब आप स्टेट रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंडिया के सारे स्टेट है गाइस, उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन होकर जाएगी। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं या फिर आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं, आप यहां से अपना स्टेट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां से इस डेमो वीडियो के लिए उत्तर प्रदेश गाइस सेलेक्ट कर लेता हूं। जब आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नया जो है वो इंटरफेस ओपन हो किया जाएगा, आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद गाइस क्या करना होगा, आपको यहां पर से एक MIS रिपोर्ट वाला ऑप्शन आएगा। तो सिंपली यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर आप यहां से देख सकते हैं गाइस, 2022-23 यहां पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। तो यहां पर आप 2023-24 यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे गाइस। 2023-24 सेलेक्ट करने के बाद, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट NEFMS वाला। इसके बाद आप देखेंगे सिंपली आपके सामने यहाँ पर एक मोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इस मोर वाले ऑप्शन पे कर लेना है क्लिक। जब आप मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट NEFMS वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट बैलेंस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस अकाउंट बैलेंस वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जब आप इस अकाउंट बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ UP का दिखा रहा है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेबिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखा दिया जाएगा गाइस। यहाँ पर अमाउंट डेबिट दिखाया जाएगा, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो यहाँ से आप ये डिटेल है गाइस जो कि देख सकते हैं अभी इस UP के स्टेट में जो नरेगा का अकाउंट है गाइस, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी वर्तमान में इतना बैलेंस जो है वो है गाइस। तो यहाँ पर इस तरह से आप किसी भी स्टेट के नरेगा के अकाउंट की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।